बट मार्क्स तेरे भी अच्छे नहीं आए मेरे भाई, सर मार्क्स तेरे भी अच्छे नहीं आए। हाँ किसके सर? आप ही की बात कर रहा हूँ, सर किसी के हैं बट अच्छे नहीं है। किसके सर, मतलब हाईएस्ट कितने नंबर है? नहीं तो तेरे ही है हाईएस्ट भाई, बट अच्छे नहीं है। अच्छे ही करो हो ना सर। तुम अच्छे हो, मतलब सब फेल हो रहे हैं और तू भी फेल हो गया, तो भाई सब फेल, तो मैं ही फेल हो जाऊंगा ना। सर ठीक मेरे है से सर, ज्यादा किसके आए हैं एकांश के अलावा? पता नहीं किसके आए हैं बट हाईएस्ट इसके हैं। ठीक है चलिए, तो चैप्टर नाम है आपका केमिकल काइनेटिक्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल काइनेटिक्स, क्या होता है इसका मतलब भाई, तो बताना चाहेगा? केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या बताएगा, बोलिए। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होगा? तो काइनेटिक्स का मतलब मूवमेंट, तो हाँ मोमेंट, और केमिकल का मतलब काइनेटिक्स केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल काइनेटिक स्टडी विद जो द केमिकाइटिस क्या है, ये एक ब्रांच है किसकी, केमिस्ट्री, जिसमें हम डील करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो किस रेट से हो रही हैं। सिमरन, वो किस रेट से हो रही है, मतलब किस स्पीड से हो रही है, मतलब कि जो जो रिएक्शन हो रही है वो स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, या मॉडरेट रेट से हो रही है। तो वो उन सब की स्टडी कहाँ आती है, आपकी केमिकल काइनेटिक्स में आती है। और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके केमिकल रिएक्शंस के मोशन को, मतलब केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, रिएक्शन स्लो है या फास्ट है। तो जो भी फैक्टर्स हैं जिससे आपके केमिकल की काइनेटिक्स अफेक्ट होती हो, वो सब कहाँ आता है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आता है। ठीक है नुपुर, यस देखिए द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद दिस स्टडी, विच डील्स विद दिस स्टडी ऑफ द स्पीड्स, ऑफ द स्पीड्स और द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉमा द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म, एंड द मैकेनिज्म बाय विच सर, दे रेट ऑफ दी रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड, द रिएक्शन प्रोसीड्स इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स, इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो रिएक्शन को आप तीन पार्ट डिवाइड कर देते हो। एक को बोलते हो फास्ट रिएक्शन, मतलब जो 10^-12 सेकेंड में हो जाए, मतलब आप दो चीज को मिक्स करो और मिक्स करते ही क्या हो जाए, रिएक्शन हो जाए, उनको बोलते हो फास्ट रिएक्शन। तो जनरली क्या होता है, जो आपकी आयनिक रिएक्शन होती है वो क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। जैसे एग्जांपल में दिखाऊं, AgNO3 + NaCl, मान लो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें क्या भरा हुआ है, AgNO3, दूसरे में क्या भरा हुआ है, NaCl। जैसे इसके अंदर पोर करता हूं इसको, तो जैसे इसके अंदर पोर करता हूं, क्या मिलता है भाई, AgCl की
पीपीटी मिल जाती है, साथ में क्या हो जाता है आपका NaNO3 बन जाता है। तो क्या हुआ, जैसे आप इनको मिक्स किया तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गई, एक चीज सीएल की पीपीटी ऑब्जर्व हो गई। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, बहुत ज्यादा टाइम लगा या बहुत कम टाइम लगा? कम। तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, फास्ट रिएक्शन। जो 10^-12 सेकंड तक हो जाए उनको बोलते हो क्या, फास्ट रिएक्शन बोलते हो। ठीक है भाई? यस सर। तो जो जो रिएक्शन 10^-12 सेकंड के अंदर हो जाए, 10^-6 लेके -12 सेकंड में हो जाए, दे आर कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। ठीक है? यस। दूसरी आपकी स्लो रिएक्शन, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, भाई आयरन का जो रस्ट लगता है, रस्ट लगने में तीन चीज चाहिए होती है भाई, कौन कौन सी? रस्ट लगने के लिए आपके पास तीन चीज होनी चाहिए, क्या क्या? ऑक्सीजन। हाँ बोलो। बोला जोर से बोलो, क्या चाहिए होता है जंग लगने के लिए? तीन चीज चाहिए होती है भाई, क्या क्या चाहिए होती है? एयर मॉइस्चर, एयर मॉइस्चर, दूसरा फ्रोजन एयर, एयर एयर, एंड थर्ड एटमॉस्फेयर। वो मॉइस्चर में आ गया ना? ठीक है सर। एयर भी मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में आ गई, और कौन सा जिस पे लगाने होते चाहिए? यस। तो रश का तीन चीज पे लगता है कि हमारे पास क्या है, मॉइस्चर है, एयर है, सोर्स है, और ये क्या होता है, बहुत स्लो होता है। ये तो यानी कि आज मैंने गाड़ी बाहर खड़ी करी और आज रेस्ट लग जाएगा उसके ऊपर, नहीं लगेगा ना भाई, टाइम लगता है रेस्ट लगने में, दिन लगते हैं, महीने लगते हैं, साल लग जाते हैं। तो उसको बोलोगे क्या, क्या ये आपकी स्लो प्रोसेस, जो डेज में कंप्लीट होती है वो क्या होती है आपकी स्लो प्रोसेस होती है। तो रस्टिंग क्या है आपकी, जो डेज में कंप्लीट होती है, तो रस्टिंग क्या है आपकी, द टाइप ऑफ स्लो प्रोसेस। ठीक है भाई? एंड थर्ड आपके पास मॉडरेट रिएक्शन। थर्ड है आपके पास मॉडरेट रिएक्शन या इंटरमीडिएट बोल सकते हैं उसका, आप जो दोनों के बीच में लाई करती है। भाई ये क्या होती है, ये ना तो ज्यादा फास्ट होती है ना ज्यादा स्लो होती है, मतलब ये कुछ घंटों में हो जाती है, 2 घंटे में 3 घंटे में 4 घंटे में, एक दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इनको बोलते हो कि आप मॉडरेट रिएक्शन बोलते हो। जैसे क्या है आपका, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। आपके पास एस्टर है, इसमें क्या ऐड करते हो, आप वाटर ऐड करते हो, इन्फ्लुएंस ऑफ एसिड। क्या मिल जाता है आपको, एक तो एसिटिक एसिड मिल जाएगा, यहां से ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, OH आ जाएगा वाटर का, और यहाँ वाटर का H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3COH + C2H5OH। तो ये क्या है आपका, ट्रांस एस्टरिफिकेशन बोलते हैं उसको, क्योंकि एस्टर को आप क्या कर रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में ब्रेक कर रहे हो। तो ये क्या होती है, कुछ घंटों में हो जाती है, तो ये क्या कहलाती है आपकी, मॉडरेट रिएक्शन कहलाती है। तो रिएक्शन को अपने तीन पार्ट डिवाइड कर दिया भाई, कौन कौन सी, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन और मॉडरेट इंटरमीडिएट। जो कुछ सेकंडों में हो जाती है वो कौन सी होती है, फास्ट रिएक्शन। जो डेज मंथ्स में होती है वो कौन सी होती है, मॉडरेट, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, डेज और मंथ्स, डेज और मंथ्स, स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। और जो घंटों में जाती है उसको बोलते हो क्या, मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है कंस? यस सर। कंस ठीक है, नुपुर ठीक है? यस सर। चलिए, तो हमें चैप्टर में पढ़ना है मॉडरेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो फर्स्ट लिखिए इसके अंदर हेडिंग वाली,
रेट ऑफ रिएक्शन तो जैसे बोलूं कि आप ए पोजीशन पे थे, आप बी पोजीशन पे गए, जो डिफरेंस कितना है 250 मीटर है, कितने कवर कर लिया आपने इसको, आपने 100 सेकंड में कवर कर लिया आपने इसको ए से बी पे जाने में। तो आपसे पूछो स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होती है भाई, स्पीड क्या होता है, नॉर्मल स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वाओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना कि आप ए पे थे, आप बी पहुंचे, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बोल सकते हो क्या डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, ये तो होता है कितना आ गया 250 डिवाइड बाय 100, ये मीटर में था, ये सेकंड में कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड हो गया। या हम किसी बात कर रहे हैं भाई, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यस सर, तो आपके पास क्या होगा, रिएक्टेंट, उससे आप क्या बना रहे हो भाई, प्रोडक्ट। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी आपके पास जो भी वो कौन होगा उस समय, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ही होगा। तो बोलो अगर यहाँ पे टाइम इंटरवल है, यहाँ पे क्या है मेरा रिएक्टेंट है, ओ यहाँ पे क्या है मेरा कंसंट्रेशन है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो यहाँ पे जो भी वो क्या होगा, आर की वैल्यू होगी, क्योंकि इतना मेरे पास क्या होगा स्टार्ट में रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट क्या हो रहा है भाई, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी, तो घटेगी, घटेगी। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, बोले यस सर। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट कितना होगा भाई, कुछ होगा स्टार्टिंग प्रोडक्ट, स्टार्ट ही नहीं हुई है, नो सर, नो सर, कहां पर होगा स्टार्टिंग में, यहां पर होगा, यस सर। और रिएक्टेंट क्या हो रहा है, धीरे ब्लड में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, धीरे बढ़ रही है, ऐसे जाएगा धीरे। तो ये क्या आपके पास ग्राफ है किसका, रिएक्टेंट का, ये से ग्राफ है भाई, प्रोडक्ट का ग्राफ है। जैसे बताया था आप ए पॉइंट पे थे, बी पॉइंट पे गए, क्या चेंज हुआ आपके पास, डिस्टेंस चेंज हुआ। तो जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हैं तो रिएक्टेंट का रिएक्टेंट क्या करता है, उसकी कंसंट्रेशन घटती है, प्रोडक्ट की बढ़ती है, बोलो है ना, यस सर। तो मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पर रिएक्टेंट क्या है, अगर R1, टाइम क्या होगा यहाँ पे T1 होगा सर, यस सर, यस सर। इस पॉइंट पे क्या होगा R2, टाइम क्या होगा T2 होगा। तो जैसे स्पीड ऑफ व्हीकल होती है, ऐसी क्या होती है स्पीड ऑफ रिएक्शन भी होती है, तो क्या बोलते हो आप, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हो, और ये इज इक्वल टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। जैसे ये ए से बी पे जा रहा था, ऐसे कहां से जा रहा भाई, ये आर वन से आर टू जा रहे, यस सर, टाइम कहां से जा रहा है, टी वन से टी टू जा रहा है, बोलो क्लियर है कि नहीं, यस सर। ऐसे ही इस वाले पॉइंट पे ये क्या है आपका पी वन है, यस सर, बोलो
और ये क्या है आपका? E2। तो रिएक्टेंट क्या घट रहा है? रिएक्टेंट ही घट रहा है आपका? यस सर। दिस वन, दिस वन सर, यहाँ घट रहा है। और प्रोडक्ट क्या रहा है यहाँ से तक? बढ़ रहा है। यस। तो आप बोल रहे हैं इट इज आल्सो कॉल्ड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, और इट इज आल्सो इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। बोलो क्लियर कि नहीं है? Yes, sir. Okay, reaction क्या होगा? With respect to time घटेगा, product क्या होगा? With respect to time बढ़ेगा। बोलो clear कि नहीं यहाँ तक? Clear. तो इसको बोलोगे क्या आप? R2 minus R1 divide by, इसको small t कर लेंगे क्योंकि probability temperature relate करते हैं, divide by T2 minus T1 करेंगे भाई। और ये क्या देगा? Equal to P2 minus P1 divided by T2 minus T1 होगा। बोलो क्लियर कि नहीं है? Yes sir। बट आपका R2 जो है वो बड़ा है R1 से, छोटा है? छोटा छोटा। तो ये टर्म आएगी पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? नेगेटिव। बट रेट कभी नेगेटिव नहीं होता है, बट रेट कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो जब भी आप रिएक्टन की बात करेंगे उसके अगर माइनस साइन लगाएंगे, क्यों? ताकि इस माइनस टर्म को प्लस करने के लिए। बस समझ में आ गई? ये फॉर्मूले के अंदर ही है। हाँ जी, फॉर्मूले में लगाएगा मतलब माइनस। जब भी आप इंटरवल रिएक्टन लिखोगे तो ये माइनस लगा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, ओके सर। और यहाँ पे क्या रहेगा? कुछ नहीं था क्या? क्योंकि ये P2 बड़ा है आपका किससे? P1 से। तो वो क्या आएगी? टर्म हमेशा प्लस आएगी, तो सिर्फ प्लस लगाओ ही लगाओ बात बराबर है। ठीक है? यस सर। ये क्या हो गया भाई? R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा आपके पास? R2 माइनस R1 बन जाएगा आपका डेल्टा बन जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे यहाँ पे हमेशा, हमेशा आप स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। R/RT इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस डेल पी बाय डेल टी होगा। बोलो क्लियर कि नहीं? यस सर। और जब आप दो डिस्टेंस के बीच का रेट निकालते हो या दो पॉइंट का रेट निकालते हो तो दैट रेट इज कॉल्ड एवरेज रेट बोलते हैं उसको। रेट दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हो एवरेज रेट, दूसरे को बोलते हो इंस्टेंटेनियस रेट। तो मैंने बता रहा हूं आपको, जब दो पॉइंट का निकाल रहे हो रेट उसको बोलते हो आप एवरेज रेट। वो क्या होगा? डेल, डेल मतलब क्या होता है? लार्ज चेंज। और डी मतलब क्या होता है भाई? स्मॉल चेंज। याद है आपको मैसेज पढ़ा आप लोगों ने? यस सर। तो पहले इतना समझ में आ गया कि रेट जो होता है वो क्या होता है? डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। इसका संख्या क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि ये टर्म आएगी क्या आएगी? नेगेटिव। इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं? माइनस लगा देते हैं। ठीक है, आता कोई डाउट किसी को? कॉपी कर लीजिए, इक्वल पॉइंट फोर आएगा। कॉपी कर लिया? यस सर। सर एक बार ही एवरेज रेट दोबारा बताना प्लीज। एवरेज रेट का मतलब होता है दो पॉइंट के बीच का रेट। ओके सर। आपके इस पॉइंट से इस पॉइंट में जो रेट है उसकी बात कर रहे हैं, उसको बोलते हो एवरेज रेट। यस सर। हाँ जी, चलिए आई सब कॉपी हो गए।
नुपुर समझ में आया कैसे बताया मैंने? यस सर। सिमरन? यस सर। सर आपने जो लास्ट में बताया एक बार ये थोड़ा रिपीट सा कर दो। क्या 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 रिपीट कर दूं? अभी जो आपने लास्ट वाला ग्राफ बनवाया था वो मैं वो लीव हो गई थी। ग्राफ तो मैंने रिपीट कर दिया था, बनाया था अभी आ रहा हूं दोबारा। सर नेक्स्ट लिखे हेडिंग इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंट रेट भाई आप बेटा रख ले। मैंने क्या कहा जैसे कि आप रिएक्टेंट से कहा बेटा प्रोडक्ट पे, तो धीरे धीरे क्या होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है बेटा धीरे धीरे कम हो जाती है और प्रोडक्ट की क्या धीरे इंक्रीज इंक्रीज हो जाती है ना। यस सर। तो बोलो इस पॉइंट पे कोई आपकी क्या होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। यस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी यहाँ पर और इस पॉइंट पे भी क्या होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। तो मेरे पास क्या दो पॉइंट है ना, तो ना इन दो पॉइंट के बीच में रेट निकालो। जो आप रेट निकालते हो दैट रेट इज कॉल्ड एवरेज रेट। जब दो पॉइंट के बीच में निकालते हो तो यहाँ पे क्या होगा बेटा ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये T1 होगा और ये T2 होगा। ठीक है। yes, तो एवरेज रेट क्या है कि आप कहाँ पहुंच गए R2 पे पहुंच गए, कहाँ थे R1 पे थे, तो ऊपर क्या आपके पास कितना चेंज हो रहा है किसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिवाइड बाय टाइम इंटरवल वो कितना है T2 माइनस T1 है। और मैंने बताया R2 क्या होता है छोटा होगा हमेशा R1 से, तो ये टर्म क्या आएगी नेगेटिव आएगी, बट रेट कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो क्या करते हो आप रिएक्टेंट में हमेशा भाग माइनस लगा देते हो, तो क्या आ गया आपके पास माइनस। और ये चेंज है, ये चेंज क्या है बड़ा चेंज है, उसको बोलते हो क्या आप डेल्टा R बाय डेल्टा T बोलते हो उसको। डेल्टा मतलब लार्ज चेंज। ठीक है भैया सर। यस। अब आता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो भाई ये होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रेट है उसको बोलते हो इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब मुझे इस पॉइंट पे निकालना रेट, तो जिस पॉइंट पे निकालना है अब हम एवरेज की बात नहीं कर रहे हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो हमें इस पॉइंट पे रेट निकालना है उसको बोलते हो क्या आप इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हो। बात क्लियर है। और जब हमें एक पॉइंट पे रेट निकालना होता है या एक पॉइंट में निकालनी होती है तो पढ़ा होगा क्या उसको क्या करते हो आप स्लोप से निकालते हो। याद है इस पॉइंट में एक लाइन इसकी क्या होगा एक लाइन जो इस पॉइंट पे पास करता हो और आपके एक्स पे मिलता हो वाई पे मिलता हो ऐसे मिलेगा भाई बताओ। यस सर। आया ना। यस सर। स्लोप क्या होता है आपको पता है ये स्लोप होता है क्या है डी वाई बाय डी एक्स होता है। yes, sir. Yes, sir. तो वाई पे कौन है आपके पास कंसंट्रेशन, एक्स पे कौन है टाइम। ये ग्राफ किसका है ग्राफ किसका इंस्टेंटेनियस है नहीं किसका ग्राफ है रिएक्टेंट का ग्राफ है। तो यहाँ पे जो रेट आएगा आपका कौन सा रेट इंस्टेंटेनियस रेट वो क्या देगा डी वाई पे कौन है कंसंट्रेशन किसकी आर की तो क्या देगा डी आर बाय डी कौन है टाइम क्या देगा डी टी और क्या ये रिएक्टेंट क्या देगा माइनस ऐसी बोलू ये आपका प्रोडक्ट है। तो इस पॉइंट पे जो आपका स्लोप बनेगा दैट इज कॉल्ड क्या डी पी बाय डी टी और डी मतलब क्या होता है वेरी 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 स्मॉल चेंज। डेल्टा मतलब क्या होता है लार्ज चेंज। जब आपसे इंस्टेंटेनियस की बात करता है तो आप डी यूज करते हो, जब आपसे एवरेज की बात करते हो आप डेल यूज कर लेते हो। अब क्लियर है। यस सर।
और जो आपका इंस्टेंटेनियस रेट है उसको आप प्रिफर करते हैं कंपेयर टू एवरेज रेट में, क्यों? क्योंकि आपका रेट धीरे धीरे घटता ही जाता है, तो आप दो पॉइंट के जो रेट निकाल रहे हो, आप एक पॉइंट पर रेट नहीं निकाल रहे हो, और जो इसकी बात करो आप इसी पॉइंट की बात करो, इस पॉइंट पे क्या रेट होगा उसको बोलते हो आप इंस्टेंटेनियस रेट। जब एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हो तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या आपका प्रेफर करता है ओवर द एवरेज रेट। ओके बोले हाय ना भाई, इंस्टेंटेनियस रेट क्या रहेगा आपका, सेम चीज रहेगी जो ये था वही होगी, बट ये डेल्टा के फॉर्म में था, ये डी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है कांश? यस सर। हाँ जी आदित्य, चित्रांश क्लियर है? यस सर। चलिए रब कर दो तो लिख लो भाई, ध्यान रखना इंस्टेंटेनियस रेट भाई लिख लेना, डेल्टा के फॉर्म में आ जाएगा आपके पास, तो लिख लो वहां पे आप इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी पी बाई डी टी। सब कर दो? यस सर। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट में देखिए, अब आपके रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होता है, देख लीजिए एस आई यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, आर आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं देखो रेट ऑफ रिएक्शन में लिखा था क्या था आपके पास, माइनस डेल्टा या डी आर बाय डी टी डेल्टा पी बाय टी या प्लस माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस डी पी बाय डी टी। ठीक है भाई? यस सर। स्पीड की यूनिट क्या होती है भाई, मीटर पर सेकंड होती है। यस सर। ऊपर क्या था, ऊपर डिस्टेंस था, यहाँ पे ऊपर क्या के पास कंसलेशन, और भी किसमें लेते हो आप, इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी लेते हो, तो मोलरिटी की यूनिट क्या होती है भाई, मोल पर लीटर होती है, और नीचे क्या है टाइम है, टाइम क्या लगता है सेकंड में सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर में हो सकता है, तो इसके लिए ऐसा यूनिट आती है, क्या आती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, अगर टाइम किसमें है सेकेंड में है तो यूनिट क्या होती है इसकी, मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है सर? यस सर। चलिए गुड, अब आते हैं आगे, लिख लो भाई इस पर एक बार, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। सिर्फ यूनिट ही ना? हाँ जी सिर्फ यूनिट ही ना? हाँ जी यूनिट बताइए। मतलब सर मेरा मतलब ये था कि प्रोडक्ट टू रेट भी कभी मोलैरिटी में निकालना पड़े पहले उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखिए नेक्स्ट चीज में दिखाऊंगा आपको, पहले करते हैं सिंपल रिएक्शन से, जब आपके रिएक्शन में कोई भी कोफिशिएंट नहीं है सिर्फ वन कोफिशिएंट है, जब जैसे एग्जांपल देखो ये PCl5 gives PCl3 plus Cl2, तो इसके आगे भी वन कोफिशिएंट है, इसके आगे भी वन है, इसके आगे भी वन है, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। चलिए कर रहा है, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होगा जब तक कोफिशिएंट के वन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होगा, अगर मैं एवरेज की बात करूं तो ये क्या है आपका, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? Reactant. तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा किसका, PCl5 by डेल्टा टी हो जाएगा, आप ये तो पढ़ा था अभी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाय टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, बोलो पढ़ा था नहीं पढ़ा था अभी आपने? यस सर। यस सर। तो मैंने तो ये काम तो किया है, ये क्या है आपका आर है, तो ये इधर आ गया। यस सर।
PCl3 क्या आपका रिएक्टेंट है प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो इट इज इक्वल टू प्लस डेल PCl3 बाय डेल T और यहाँ पे प्लस नहीं आएगा यहाँ भी क्या आएगा इक्वल आएगा ये भी क्या है आपका प्रोडक्ट इट इज इक्वल टू प्लस डेल Cl2 बाय डेल T तो जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं जितने भी रिएक्टेंट हैं सब क्लियर हो गया आप इस फॉर्मूले पुट कर दोगे और बराबर में इक्वल इक्वल लगा कर चले जाओगे आप ठीक है सर यस सर जब तक आपके पास कोफिशियंट 1 1 1 कोफिशियंट है ये तब की बात कर रहा था मैं लेकिन अगर कोफिशियंट सेम ना हो तब क्या होगा पहले इसको कॉपी कर लो एक बार और मुझे बताओ अगर मैं इसका इंस्टेंट इस रेट लिखूं तो क्या होगा बताना मुझे इस इक्वेशन का इंस्टेंट इन रेट क्या होगा D minus D reactant PCl5 upon DT is equal to DT product PCl plus जो भी कोशिश होती है सब ठीक चल जाएगा is equal to plus DCl2 upon DT ठीक है yes आपने रिएक्टेंट की साइड पे डेल्टा टी क्यों लिखा है कहाँ पे यस सर इंटेंशन इज रेट के बाद जो आपने रिएक्टेंट लिखा है गलती हो सकती है भैया इंसान हूं मैं सॉरी सर ठीक है सॉरी सर चलिए ये था जब कोफिशिएंट 1 1 थे अब आ जाओ कोफिशिएंट आपके पास सेम ना हो तब क्या होगा तो यहां दिमाग खर्च करना है आपको इसमें एग्जांपल हो यहां पे N2O5 gives 4NO2 plus O2. तो आपके पास रिएक्टेंट में 2 N2O5 है प्रोडक्ट में 4 NO2 बन रहे हैं और 1 O2 बन रहे हैं है ना भाई yes, sir. तो आपका कौन डिकम्पोज हो रहा है N2O5, NO2 या O2? N2O5, NO2 या O2 कौन डिकम्पोज हो रहा है भाई सर N2O5 तो आप बोल सकते हो कम से कम N2O5 की बात करो रेट ऑफ डिसअपीयरनेस का मतलब भी क्या है डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हो इज इक्वल टू किसकी बात कर रहे हो आप डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 तो N2O जो टूट रहा है उसका रेट क्या हो टूटने का भाई तो वो होगा आपके पास माइनस डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T क्योंकि जब हम बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की तो हम बात करते हैं 1 मोल की ठीक है भाई यस सर तो पूछो आपसे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 मतलब क्या फॉर्मेशन ऑफ NO2 वो कितना होगा भाई सिर्फ NO2 की बात करो कोफिशिएंट को तो मतलब भूल जाओ अभी तो कितना होगा NO2 बाय डेल्टा T डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T होगा बोला क्लियर यहां तक सर वो 2 कहां चला गया ऊपर वाला अभी मैंने बोला हम यहां पे इसकी बात कर रहे हैं अभी हम रिएक्शन की बात कर ही नहीं रहे हैं अच्छा सर एक ही मोल है ना तो इसलिए एक ही आया अभी अगला ठीक है इसका मतलब सर जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में फर्स्ट को लेके क्या था तो अभी हां जी बोलो तो उस केस में क्या था रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और फॉर्मेशन सेम थे सर क्योंकि कोफिशिएंट सेम था उनका ठीक है सर यस सर रेट ऑफ अपीयरनेस ऑफ O2 वो कितना होगा भाई प्लस देन O2 बाय डेल्टा T होगा क्लियर है भाई यस सर ये बात करो विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल तो मैं पूछूं क्या ये सारे रेट आपस में इस केस में इक्वल हो सकते हैं क्या वहां पे सबके पास एक एक मोल ही था
तो इसलिए क्या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ पीसीएल 5 इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पीसीएल 3 था, इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीएल 2 था, क्योंकि सबके एक एक मोल थे. क्या यहाँ पे सबके मोल एक एक है क्या? नो सर. सबके मोल इक्वल है क्या? नो सर. तो क्या हम इनको सबको बराबर कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते हैं. हम किसको बराबर करें इनको? किस कैसे रिलेशन में लेके आए कि अपन सब सबसे इससे भी इससे भी इससे भी मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दू. तो कैसे भाई? तो देखो N2O5 के कितने मोल टूट रहे हैं? टू. कब? जब NO2 के कितने बन रहे हैं? फोर. और O2 के कितने बन रहे हैं? वन. तो N2O5 के दो मोल बन, दो मोल जब टूटते हैं तब क्या होता है? O2 का एक मोल बन रहा है ना भाई? Yes, sir. Yes, तो जो O2 का rate of reaction है वो क्या है? इसके O2 का जो rate of formation है वो क्या है? इसके half के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा sir. Repeat करता हूँ. जब इसके एक मोल बन रहा है, इसके क्या हो रहे हैं? दो मोल टूट रहे हैं. तो जितना भी इसका रेट है, इसका rate उसका double है कि नहीं है? Yes, sir, है. तो अगर मैं इसके रेट को हाफ से डिवाइड कर दूं तो दोनों रेट सेम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई? यस सर, हो जाएगा. रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो एक बार. मैंने बोला जब इसका एक मोल बनता है, इसके दो मोल टूटते हैं, तो इसका जो मोल बनने का रेट है, ये जो रेट है इसका, वो क्या है? इसके रेट से आधा है या नहीं है? Yes, sir. ऐसे ही जब O2 का एक मोल बन रहा है, उस समय NO2 के कितने मोल बन रहे हैं भाई? चार. तो इसका जो रेट है वो इसके 4 टाइम है कि नहीं है? यस सर. यस सर. अगर मैं इसके रेट को 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? रेट ऑफ O2 और इसका जो रेट है उसको अगर 4 से डिवाइड कर दूं तो बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई? हो जाएगा सर. यस सर, हो जाएगा. कुछ तो कांश? यस कांश, क्लियर? कुछ मैं रिपीट कर दूं, इसका जब एक मोल बनता है, इसके दो मोल टूटते हैं, तो इसका रेट क्या डबल है, उसको मैं आज डिवाइड कर दूं तो इसका इसका रेट सेम हो जाएगा. इसके जब एक मोल बनते हैं, इसके चार बनते हैं, तो इसको मैं फोर से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? दोनों का रेट सेम हो जाएगा. तो कह रहे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो कहता है कि जो भी इनके कोफिशिएंट है उससे उसके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को या रेट ऑफ फॉर्मेशन को डिवाइड कर दो तो सबके रेट क्या रहेंगे? सेम हो जाएंगे. तो आपका क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा. तो इसका कोफिशिएंट कितना है भाई? 2 है. तो -1/2 ऑफ डेल्टा N2O5 by delta is equal to +1/4 of delta NO2 by delta is equal to delta O2 by delta. बस समझ में आई लोगों को? नहीं आई? कह रहा है इनके सबके रेट अलग अलग हैं, लेकिन मुझे पता है इसका जो रेट है वो क्या है? इसके रेट के आधा है, तो डिवाइड कर दे 2 से. इसका जो रेट है, इसके रेट का 1/4 है, डिवाइड कर दे, क्या होगा? सबके रेट सेम हो गए, तो वही क्या हो गया आपका? रेट ऑफ रिएक्शन हो गया. क्लियर? यस सर. यस सर. बोलो भाई. तो याद रखेंगे जब भी आपके पास कोफिशिएंट सेम ना हो सबके, तो क्या करो? सबको जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है या डिकम्पोजिशन है उनको डिवाइड कर दो उनके कोफिशिएंट से, तो सबके रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो जाएंगे. तो कॉपी कर लीजिए इसको, फिर दिखाता हूँ एक बार एग्जांपल. पहले बार कॉपी कर एक बार इसको. कर लिया?
सो हो गया गुड देखिए पर कितना मान लो आपके पास एक जनरल इक्वेशन है लिख लीजिए इन जनरल इक्वेशन ए ए प्लस बी बी गिव्स एक्स एक्स प्लस वाई वाई जो स्मॉल ए स्मॉल बी है ये क्या है आपके कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट ए और बी ए और बी क्या है आपके रिएक्टेंट है और ए और बी क्या है आपके कोफिशिएंट है ऐसे स्मॉल ए स्मॉल वाई ये क्या है आपके कोफिशिएंट है किसके प्रोडक्ट के कौन से कैपिटल एक्स कैपिटल वाई तो पूछ रहा है इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा तो बताइए चित्रांग क्या करना है आपको आपके जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो अपने रेट रेट को तो क्या होगा इसका बताओ क्या होगा पहला लिखो चित्रांग सर वन बाय ए ये कौन बोलेगा हाँ माइनस वन बाय ए माइनस वन बाय ए इस सब ब्रैकेट में ए बाय डी कौन बोलेगा बाय डी टी माइनस वन बाय ए डी ए बाय डी टी या डेल्टा ए बाय डी टी दोनों सेम चीज है इज इक्वल टू क्या होगा माइनस वन बाय बी डेल बी बाय डेल टी is equal to plus 1 by x del x by del t is equal to plus 1 by y del y by del t समझ में बात नहीं आई जो आपके कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा ठीक है बोलो क्लियर कि नहीं है बोलो बच्चों यस सर तो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ अब और अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को देखिए जो क्वेश्चन का मैं ये है एन एच थ्री गिव्स एन टू प्लस थ्री एच टू तो क्वेश्चन में गिवन है आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन टू इज इक्वल टू 3.6 10 की पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड तो क्वेश्चन पूछ रहे आपसे फाइंड पहला क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन दूसरा क्वेश्चन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NS3 तीसरा क्वेश्चन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S2 मैं क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए एक बार से ये क्वेश्चन को समझ में आ गया तो आप इस पे सारे क्वेश्चन बना लोगे इस टॉपिक पे देख लिया यस सर चलिए तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 गिवन है भाई तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 इन टर्म्स ऑफ डेल्टा या डी क्या लिखोगे इसको आप डी हाँ बोलो डी बोलो अरे बोल भी लो यार जिसके बारे में बात कर रहा वो ऊपर डिवाइड बाय टी सिंपल सी बात है ऊपर एनएच
एन एच की बात कर रहे हैं आप? N2 N2 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 की बने आपको, तो क्या होगा? सॉरी सर, d N2 by dt आएगा, तो आपको ये गिवन है, ठीक है? आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या पढ़ा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस इक्वेशन के लिए बताइए रेट ऑफ इक्वेशन फॉर्मूला क्या बनेगा, जो बनाया था पिछले में अभी, बताइए भाई इस इक्वेशन से क्या फॉर्मूला बनेगा? 1/2 माइनस 1/2 डेल्टा। अब डी लिखेंगे ना, अभी डी लिखोगे फिर आप, ठीक है? अच्छा ओके सर, डी एनएस थ्री अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्लस कॉम्पोनेंट कुछ है इसके पास, डी बाय डी ब्रैकेट में एन टू अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल्स टू प्लस 1/3 डी एच टू बाय डी टी। ये सबको समझ में आया इतना पॉइंट? यस सर, यस सर। रेट ऑफ रिएक्शन का रेट ऑफ फॉर्मेशन एन टू से कोई रिलेशन आ रहा है इसमें? देखो एन टू का और रेट ऑफ रिएक्शन का कोई रिलेशन आ रहा है बस? नो सर, नहीं आ रहा है सर, दोबारा पूछना एक बारी। यस सर, आ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन का और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन टू का आपस में रिलेशन आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, दो जगह आ रहा है। देखो भाई ये लिखा है ना डी एन टू बाई डी टी, तो क्या आ गया आपके पास? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या आ गया? डी एन टू बाई डी टी, क्योंकि मुझे ये पता था इसलिए मैंने ये लिया, बाकी सब हटा दिए मैंने। तो क्या आ गया आपके पास? रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया? इज इक्वल टू प्लस डी एन टू बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आया? 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर आता क्या नहीं है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ओके भाई, यस सर, अगर दो बताओ होते तो आ रहा हूँ। हाँ दो सेम ही आंसर आता। अच्छा ओके सर, अलग क्वेश्चन पढ़ के लिखा है। आपको डेरिवेशन पता क्या था? ये था -1/2 डी एन एस थ्री बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी एन टू बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी एस टू बाई डी टी। ये था भाई क्वेश्चन पूछा, फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यही तो होगा? यस सर। तो इसका और N2 का दोनों का आपस में रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ये रहा, दिख रहे हैं? यस सर। तो इस 2 को उधर ले जाओ तो क्या रहेगा? माइनस डी एन एस थ्री बाई डी टी जो आएगा वो क्या आएगा? ट्वाइस आएगा किसका? डी एन टू बाई डी टी का। बोलो क्लियर कि नहीं है? यस सर। और डी एन टू बाई डी टी कितना आपके पास क्वेश्चन में गिवन था? कितना? 3.6 × 10⁻³। तो कितना हो गया? 7.2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। डाउट क्या था? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच टू पूछा उसने आपसे, है ना भाई? यस सर। तो फॉर्मेशन ऑफ एच टू मतलब क्या पूछा उसने आपसे? डी एस टू बाई डी टी पूछा उसने आपसे। यस सर। बोलिए। यस सर। एन टू वाले का एच टू का रिलेशन, देखो ये रिलेशन मिल रहा है आपको, तो क्या आ गया? 1/3 डी एस टू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है भाई? डी एन टू बाई डी टी है कि नहीं है? यस सर। तो जो डी एच टू बाई डी टी होगा आपका वो कितना आ जाएगा? माइनस, तो मैं इस तरह 3 × dN2/dt। यस।
आ गया 3 × 3.6 10^-3, तो 10.8 10^-3, तो डिवाइड एज 1.08 10^-2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, और ये क्या आ गया आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। फिर हुआ नहीं वो? यस सर। किसी को डाउट है तो पूछ लें सर। वॉइस बुक क्लियर है? यस सर। यस सर। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने बताया अपने आप। ओके सर। कॉपी कर लीजिए इसको एक बार। मैं कॉपी कर इसको, फिर क्वेश्चन आता आप लोगों से। कल कब सुबह तो जब भी आपसे बात करेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की और फॉर्मेशन की तो उसमें कोएफिशिएंट नहीं लिखोगे आप, ये ध्यान रखिए। लेकिन जब बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की तो उसमें कोएफिशिएंट आते हैं। इसमें देखो यहां लिखा था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो यहां पे कोएफिशिएंट नहीं है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, यहां पे कोएफिशिएंट नहीं। जब भी आप फॉर्मेशन की डिसअपीयरेंस की बात करोगे उसमें कोएफिशिएंट नहीं होंगे, लेकिन जब रिएक्शन में बात करोगे रेट ऑफ रिएक्शन वहां पे कोएफिशिएंट आ जाते हैं, डिवाइड में जाते हैं। क्वेश्चन यहां पर आप लोग करने के लिए कभी कभी क्या आंसर आएगा सर? क्वेश्चन देखिए 2A गिव 3B प्लस C। तो क्वेश्चन के पास है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज इक्वल टू 1.8 10^-2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा क्वेश्चन फाइंड द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी करो ए, एंड थर्ड क्वेश्चन इसी के अंदर फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। करें दिमाग करीबे सारे करेंगे 1, 2, 3 उसके बाद आंसर करेंगे, ये नहीं कि एक करके का आंसर कर दो, सारे करेंगे उसके बाद आंसर करेंगे।
किसका हो गया बताना भाई, किसका हो गया? हो भाई एक मिनट, सर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उतना ही रहेगा ना? हाँ? जो रेट ऑफ रिएक्शन है मतलब जितना दिया वो उतना ही है ना? क्यों भाई? सर फाइंड द रेट ऑफ डीकंपोजिशन 3.6 इनटू 10 रेस्ट पर माइनस 2 आएगा। 3.6 टेन का माइनस 2 सर मेरा 1.2 आ रहा है वो। कंट कर रहे हो डाउन सर? ओ माइनस ये आएगा ओ 0.6 डिवाइड होगा। यस सर मेरा ये। और ये आएगा माइनस माइनस 1.2 और ये आएगा। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं है? अबे माइनस यहाँ लगा होता है, यहाँ लगा होता। ओके सर ऐसे लिखो इसको माइनस dA by dt। ये माइनस लगा था इसको हम प्लस ला सके। यहाँ पर ये हो गया डी सी बाई डी टी और ये यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन। हमें किस किस का नहीं आया बताएंगे? हाँ जी सर मैंने 1.2 वाला सी बोला था। एक आंसर आपका आंसर आया सर? मैं फर्स्ट वाला बताना सर। चलिए देखिए आपको ये गिवन है क्या है? ये
इसका इन टर्म्स ऑफ डी क्या लिखोगे इसको? सर जैसा है डेल्टा एडी में लिखो इसको, मतलब अच्छा वो डीबी बाय डीटी, डीबी बाय डीटी। तो जब भी आपसे फॉर्मेशन की बात करें या किसकी बात करें भाई, सल्फर अटक गई सर आपके, डिकम्पोजिशन की बात करें जब भी आपसे फॉर्मेशन की या डिकम्पोजिशन की बात करें तो लिखोगे क्या यहाँ पे डीबी बाय डीटी लिखोगे? यस सर। तो आपके पास dB by dt कितना 1.8 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है लोगों? यस सर। क्लियर है इतना? यस। मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ, थोड़ा इतना धुंधला दिख रहा है आपको। जब भी आपके पास फॉर्मेशन लिखा है तो वहां पे कोफिशिएंट यूज नहीं करोगे, तो क्या लेगा? जो भी लिखा है d बाई डीटी, अगर यहाँ लिखा था a तो डी ए बाई डीटी, लिखा था c तो डी सी बाई डीटी रहता, ठीक है सर? यस सर। चलिए आपको इक्वेशन में ये गिवन है, अब आ जाओ इस तरह। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग